आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। जम्मू से करीब 10 किलोमीटर दूर सुनचवा कैंप पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने फिदायीन हमला किया। इस फिदायीन हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक आर्मी कर्मी की बेटी भी शामिल है। वहीं आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन को सुनजवा में चल रहे ऑपरेशन और हालिया स्थिति के बारे में जानकारी दी है। ऑपरेशन में वायुसेना को शामिल करते हुए उधमपुर से पैरा कमांडो को बुला लिया गया है। हमले के चलते कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अलर्ट जारी है और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। वहीं सेना से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह जम्मू के सुनजवा सैन्य शिविर में सुबह लगभग 4:45 बजे आतंकवादी ग्रेनेड फेंकते हुए और भारी गोलाबारी करते हुए परिसर में घुस गए। इससे पहले गेट पर तैनात संतरियों ने इनकी संदिग्ध हरकत देखी थी। इसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई। इस दौरान 3 से 4 आतंकी 2-2 की तादाद में कैंप में दाखिल हो गए। इसके बाद ये आतंकी JCO फैमिली क्वार्टर की ओर घुसे। कैंप में जवानों की फैमिली के लोगों की जान पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। वहीं इससे पहले खुफिया रिपोर्टों में कहा गया था कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की 5वीं बरसी पर हमले की योजना बना रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में सेना के कैंप पर हुए इस हमले का असर दिखा। बीजेपी विधायकों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन हैरान करने वाली और बेशर्मी की बात तो ये है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के विरोध में जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अकबर लोन खड़े हो गए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के जवाब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। विधानसभा में इस बात से बेहद हंगामा मच गया। उसमें उसने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैंने भी कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। उसे क्या होता है पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से? कोई आसमान जमीन पर टूटेगा नहीं। ऐसी बातें होती रहती हैं। वो कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद, और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान जिंदाबाद। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तुरंत इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। सत्य खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।